नमस्कार, आपकी होली आनंदमय और सेफ हो ये प्रार्थना करता हूं। अगर खास करके आप प्रेग्नेंट है तो कुछ चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए इस होली के त्योहार के दरमियान। जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो रंग ज्यादातर इंडस्ट्रियल किस्म के रंग होते हैं, जिसके अंदर कॉपर, मर्क्यूरी ऐसे कुछ घातक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रंग अगर आपके त्वचा पे या स्किन के ऊपर भी लगाए जाते हैं तो उसमें से भी कुछ मात्रा में ये रंग अब्जॉर्ब होने की शक्यता रहती है। बहुत बार रंग का पानी बना के वो पानी फेंका जाता है, वो पानी तो खुद दूषित रहता ही है, उसके अंदर इन किस्म के रंगों का भी इस्तेमाल किया रहता है। और ऐसा पानी अगर आपके मुंह में, नाक में अगर जाता है तो उसके वजह से आपके पेट में इस किस्म का दूषित पानी जाने के वजह से भी कई किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं गुलाल ऐसे हवा में फेंका जाता है, लेकिन अगर किसी को इस रंग की एलर्जी है तो उसके वजह से श्वास लेने में तकलीफ होना, खांसी सर्दी ये सब तकलीफें आपको हो सकती है। तो रंगों से दूर रहिए ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नेचुरल किस्म के जो रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करके आपकी होली जो है वो सेफ और आनंदमय बना सकते हैं। दूसरी बात ये आती है खाने पीने के बारे में। तो बहुत हेवी खाने पीने में अगर चीजें ली जाती है तो उसके वजह से पाचन में जड़ होने के वजह से तकलीफ हो सकती है, उसका आप जरूर ख्याल रखिए। तीसरी बात भांग के संबंध में लेके मैं खास करके यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी में तो नहीं ही लेकिन इवन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी भांग का इस्तेमाल करना ये अच्छी बात नहीं है। भांग के अंदर जो मूल द्रव्य जो होते हैं वो लाइट मॉलिक्यूलर वेट के वजह से इवन ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा बच्चे तक भी पहुंचने की शक्यता रहती है। तो इन शॉर्ट होली का आनंद जरूर ले, लेकिन कुछ चीजों का पालन करके खुद को भी सेफ रखिए और अपने बच्चे को भी सेफ रखिए। नमस्कार।